नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और गर्म भुट्टों के साथ साथ मॉस्किटो बर्न इलनेस मीन्स मच्छर से होने वाली बीमारियों का भी सीज़न शुरू हो चुका है। एक्चुअली होता क्या है कि बारिश के कारण जगह जगह गड्ढों में पानी भर जाता है और वातावरण में नमी होने के कारण ये मच्छर बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदा होने लगते हैं और ये इनके लिए बहुत ही फेवरेबल सीज़न होने के कारण ये अपने संक्रमण की ताकत को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं और एक्टिव हो जाते हैं। और इस वक्त प्रिकॉशन नहीं रखा गया तो हम कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं और इसकी सीरियसनेस इतनी ज़्यादा है कि यदि ध्यान नहीं दिया गया तो ये बीमारियां जानलेवा भी हो सकती हैं। आज हम मच्छर से होने वाली 3 बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे जिनसे बचाव जरूरी है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया के बारे में और हम जानेंगे कि इनसे कैसे बच सकते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, सिम्टम क्या आते हैं, इन्वेस्टिगेशंस क्या करवाना चाहिए और इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके कारणों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, मच्छर जनित बीमारियां या मॉस्किटो बॉर्न इलनेस जो होती है वो मेनली सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में देखी गई हैं। जब भी मच्छर हमारे शरीर में एंटर करता है उसके मेनली 4 रूट होते हैं। जब भी कोई संक्रमित मच्छर एक हेल्दी पर्सन को काटता है तो उस पर्सन को यह बीमारी हो जाती है, जैसे कि पी फैल्सीपेरम या पी वाइवैक्स से मलेरिया फीवर हो जाएगा, या डेंगू वायरस से डेंगू फीवर हो जाएगा, या चिकनगुनिया वायरस से चिकनगुनिया हो जाएगा। इसका दूसरा रूट ये होता है कि मदर टू अनबोर्न चाइल्ड, मींस मदर से उसके अजन्मे बच्चे को भी ये इन्फेक्शन जा सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान भी ये इन्फेक्शन जा सकता है एक दूसरे से। और यदि इन्फेक्टेड निडल यूज़ की गई है, शेयर की गई है, तो भी ये इन्फेक्शन फैल सकती है। यहाँ पर अब हम इसके सिम्टम्स की बात करेंगे। इसमें नंबर 1 पे हम मलेरिया के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मलेरिया के बुखार में पेशेंट को कपकपी लग के, ठंड लग के बुखार आता है, उसका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और पसीने के साथ साथ उसका बुखार उतरता है, थका फील करता है, उसका बहुत ज़्यादा बॉडी एक होता है और उसका हेडेक भी बहुत ज़्यादा होता है जो स्पाइन में रन करता है, मतलब उसकी बैक बोन में, रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। इसमें पेशेंट को चक्कर आना और नोशिया और वोमिटिंग की शिकायत भी हो सकती है। मलेरिया को लाइटली नहीं लेना चाहिए, ये कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। इसमें नंबर 1 पे है सेरेब्रल एनीमिया, जिसे हम दिमाग का बुखार भी बोलते हैं। जब ब्रेन सेल्स में पैरासाइट्स पहुँच जाते हैं तो पेशेंट को सीजर्स आने लगते हैं और वह कोमा में भी जा सकता है। नंबर 2, पेशेंट को मलेरिया के साथ साथ उसका हीमोग्लोबिन कम हो सकता है और उसको एनीमिया हो सकता है। इसमें लंग में फ्लूड या पानी जमा होने के कारण पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ आती है, इसे हम ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी कहेंगे। और एक चीज़ और होती है कि पेशेंट का जब सीरियसनेस बढ़ जाती है तो उसके ऑर्गन भी फेल हो सकते हैं, जैसे कि किडनी, लीवर एट्सेट्रा। अब हम डेंगू फीवर के लक्षण या सिम्टम के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इसमें पेशेंट को सडन हाई राइज ऑफ टेम्परेचर मिलता है, इसका जो टेम्परेचर होता है वो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। इसमें पेशेंट को फ्लू लाइक सिम्टम्स भी मिलते हैं और इसमें एक बहुत टिपिकल फीचर ये होता है कि पेशेंट को बैक ऑफ द आई में बहुत ज़्यादा पेन मिलेगा, उसे हेडेक मिलता है, बॉडी एक मिलता है, उसके जॉइंट और मसल्स बहुत ज़्यादा पेन करते हैं, उसको नर्वस वीकनेस की भी शिकायत होती है। इसमें पेशेंट 2-3 हफ्तों में ठीक हो जाता है, लेकिन यदि ठीक नहीं होता है तो ये बीमारी जानलेवा हो सकती है। इसमें पेशेंट को डेंगू, हेमरेजिक फीवर हो जाता है, जिसमें इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जिसके कारण पेशेंट का बीपी सडन ड्रॉप कर जाता है, मतलब एकदम से कम हो जाता है, वो शॉक में जा सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है। अब हम चिकनगुनिया फीवर के बारे में बात करेंगे। यह एडिस मच्छर के काटने से हो जाता है। मच्छर के काटने के 2 से 7 दिन में सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। यह मच्छर जो होता है ज़्यादातर दिन में काटता है। इस बीमारी के बहुत सारे सिम्टम्स डेंगू फीवर जैसे होते हैं, लेकिन इसमें पेशेंट को मसल्स में और जॉइंट में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है। चिकनगुनिया का लिटरली मीनिंग होता है टू बिकम बैंड, मीन्स इसमें पेशेंट को इतना ज़्यादा पेन होता है उसकी मसल्स में, उसके जॉइंट में, कि पेशेंट का जो शरीर होता है वो बैंड हो जाता है।
इस बीमारी का कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन नहीं देखा गया है। पेशेंट 2 से 3 हफ्तों में ठीक हो जाता है, लेकिन कई पेशेंट्स में जोड़ों में दर्द कई सालों तक देखा गया है। अब हम यहाँ पर इसके प्रिवेंशन की बात करेंगे। दोस्तों, यह तीनों बीमारियाँ ऐसी हैं जिनमें हम प्रिकॉशंस रख के इसके रिस्क फैक्टर को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। इसमें नंबर 1 पे है रिड्यूस मॉस्किटो हैबिटेट, मींस अपने घर के आसपास मच्छर को पनपने ना दें और घर के आसपास जो गड्ढे हैं, जो नालियाँ हैं, उन पर मॉस्किटो स्प्रे कर सकते हैं। नंबर 2, यदि मच्छरों वाली जगह पे जा रहे हैं जैसे गार्डन वगैरह, तो बॉडी को कवर करके रखें या फिर मॉस्किटो रेपेलेंट वगैरह यूज़ करें। नंबर 3, ट्रॉपिकल एरियाज़ में और जहाँ पर इन बीमारियों का आउटब्रेक हुआ है वहाँ जाने से बचें। नंबर 4, जिन एरियाज़ में मच्छर ज़्यादा हैं वहाँ मच्छरदानी में सोएं और जहाँ जहाँ पर मॉस्किटो नेट लगवा सकते हैं मॉस्किटो नेट लगवा कर प्रिकॉशन रखें। दोस्तों, WHO ने मलेरिया और डेंगू फीवर के लिए वैक्सीन रिकमेंड किया है जिन एरियाज़ में या जिन कंट्रीज़ में ये बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले इसके इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे। दोस्तों, चिकनगुनिया फीवर में हम सबसे पहले CBC करवाते हैं जिसमें लिम्फोसाइट काउंट कम दिखता है। नंबर 2, हम इसमें ELISA टेस्ट करवाएंगे जिसमें IgE और IgM एंटीबॉडी दिख जाएगी ब्लड में। और नंबर 3, इसमें हम RT-PCR करवाएंगे जिसमें वायरस का इन्फेक्शन दिख जाएगा। डेंगू फीवर का इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए डेंगू RNA-PCR टेस्ट करवा सकते हैं और इसके एंटीबॉडी का भी टेस्ट करवा सकते हैं। मलेरिया में स्पीशीज और पैरासाइट को कंफर्म करने के लिए PCR टेस्ट कराते हैं। अब हम यहाँ पर इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करेंगे। इसमें नंबर 1 पर मेडिसिन आती है चाइना या सिंकोना। यह मेडिसिन कुनेन की बार्क या छाल से बनी हुई होती है। दोस्तों, यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट मलेरिया की एक फुल पिक्चर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसको ठंड लग के बुखार आ रहा है, उसको टेम्परेचर उसका बढ़ रहा है और जैसे ही उसको पसीना आया उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, नर्वस वीकनेस मिलती है, उसको बहुत कमजोरी आ जाती है, उसका शरीर बहुत ज़्यादा दर्द करता है, स्पेशली हेडेक और स्पाइन उसका बहुत ज़्यादा पेन करता है। यदि ये सारे सिम्टम्स मिल रहे हैं तो चाइना बहुत अच्छा काम करती है दोस्त। यदि पेशेंट को इंटरमिटेंट फीवर भी है, मीन्स उसका जो बुखार है वो 4 दिन 3 दिन की स्टेज पर आएगा, फिर ठीक हो जाएगा, फिर 3-4 दिन आएगा, फिर ठीक हो जाएगा, तो भी चाइना अच्छा काम करेगी। इस कड़ी में दूसरी मेडिसिन है चिन्नम सल्फ। यह मेडिसिन सल्फेट ऑफ कुनेन से बनी हुई होती है। यह मलेरिया पे बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, ये मलेरिया के सारे सिम्टम्स बहुत अच्छे से कवर करती है और साथ में एक चीज़ और बहुत मार्क्ड होती है कि जब पेशेंट को उसके बैक में और उसके स्पाइन में बहुत ज़्यादा पेन होता है तो यह मेडिसिन दी जाती है। और इस दवाई को हम तब भी देते हैं जब पीरियडिसिटी बहुत मार्क्ड होती है, मींस पेशेंट को बहुत टाइम टू टाइम बुखार आता है, तब भी यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करेगी। इस कड़ी में तीसरी मेडिसिन है यूपेटोरियम। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पीरियडिसिटी बहुत ज़्यादा मार्क्ड होती है, मींस पेशेंट को रोज़ बुखार एक फिक्स टाइम पे ही आता है। जैसे इसमें पेशेंट को सुबह 7 से 9 में ही ज़्यादातर बुखार देखा गया है और पेशेंट को बहुत ज़्यादा बॉडी एक होता है, उसकी बोन में बहुत ज़्यादा पेन होता है और उसको बैक ऑफ द आई में और हेडेक उसको बहुत ज़्यादा होता है। तो यदि इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो यूपेटोरियम बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। इस कड़ी में चौथी मेडिसिन होती है फेरमफॉस। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब उसको सर्दी जुकाम के सिम्टम्स मिलते हैं, उसको इसके साथ में इन्फ्लेमेशन भी मिल सकती है। यदि इस मेडिसिन को अर्ली स्टेज में दे दिया जाता है तो बुखार इतना बढ़ता नहीं है। इसमें पेशेंट एनीमिक मिलता है, बहुत ज़्यादा वीक होता है और उसको जितने भी पेन होते हैं वो थ्रॉबिंग कैरेक्टर के होते हैं। इस कड़ी में चौथी मेडिसिन होती है आर्सेनिकम एल्बम। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट के बुखार में पीरियडिसिटी बहुत ज़्यादा मार्क्ड होती है, मतलब बहुत टाइम टू टाइम उस पेशेंट को बुखार आता है। इसमें पेशेंट को सर्दी जुकाम भी साथ में बनी हुई रहेगी और पेशेंट बहुत वीक मिलेगा। और एक चीज़ और होती है कि इसमें पेशेंट को पूरे बुखार के दौरान बहुत नेगेटिव थॉट आते रहते हैं। इस कड़ी में नेक्स्ट मेडिसिन होती है जेलसीमियम। दोस्तों, यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट को बुखार बहुत ज़्यादा कपकपी के साथ आता है और यह कपकपी इतनी ज़्यादा होती है कि पेशेंट की पूरी बॉडी शेक करने लगती है। यदि इस तरह के सिम्टम्स मिल रहे हैं तो जेलसीमियम बहुत अच्छा काम करेगी। इसमें पेशेंट की जो पल्स होती है बहुत लो चलती है और जो पसीने की स्टेज होती है वो बहुत लंबी चलती है, बहुत एग्जॉस्टिंग होती है, पेशेंट बहुत
थक जाता है। दोस्तों जैल्सीमियम को हम 3D रेमेडी भी बोलते हैं। 3D मीन्स हुआ डलनेस, डिजीनेस और ड्राउजीनेस। डलनेस मीन्स पेशेंट बहुत थका थका लगता है, डिजीनेस मीन्स उसको कभी कभी चक्कर भी आ सकते हैं, और ड्राउजीनेस मतलब पेशेंट को पूरे टाइम नींद आती रहती है। और ये तीनों सिम्टम्स पेशेंट की हर बीमारी में साथ साथ रन करते हैं। इस कड़ी में नेक्स्ट मेडिसिन है बेलाडोना। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट को बुखार का ऑनसेट एकदम सडन होता है और पेशेंट का जो टेम्परेचर है एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण कभी कभी बच्चों में सीजर्स भी आने लगते हैं। इसमें पेशेंट को बुखार के दौरान इतनी ज़्यादा हीट डेवलप होती है कि उसका पूरा चेहरा लाल पड़ जाता है, जैसे कि सूजन आ गई है, और उसके गले में बहुत ज़्यादा कंजेशन फील होती है, और पेशेंट को बहुत ज़्यादा हेडेक होता है, और हेडेक जो होता है थ्रॉबिंग कैरेक्टर का होता है। दोस्तों यदि आपको मेरा यह वीडियो इफ़ेक्टिव लगा है और मच्छरों से होने वाली बीमारियों के बारे में यह जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो, माई चैनल। थैंक यू।